इंद्रगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में अतिक्रमियों का बोलबाला कार्रवाई से कतरा रहा पालिका प्रशासन। पालिका प्रशासन कुंभकर्ण की नींद में। इंद्रगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में धड़ल्ले से हो रहे अतिक्रमण पर पालिका प्रशासन कुंभकर्ण की नींद में। नगर पालिका क्षेत्र में करोड़ों रुपए की भूमि पर अतिक्रमण करके बंगले खड़े कर दिए, लेकिन पालिका प्रशासन अभी तक भी कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ है। कई बार पालिका प्रशासन को अधिकारियों को अवगत करवाने के बाद भी अतिक्रमण पर कार्रवाई नहीं हो पाई, जिससे अतिक्रमियों का पालिका क्षेत्र में बोलबाला हो रहा है। वहीं पालिका अधिशासी अधिकारी गोपाल लाल शर्मा व पालिका प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने के नाम पर आश्वासन देने के साथ लोगों को गुमराह कर रही है। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी गोपाल लाल शर्मा ने पूर्व में अतिक्रमण पर 7 दिन में कार्रवाई करने के लिए कहा था। वहीं 23 मई 2023 को पुलिस प्रशासन जाप्ता लेकर अतिक्रमण हटाने की बात अधिशासी अधिकारी गोपाल लाल शर्मा द्वारा बताया गया था, लेकिन आज तक उक्त अतिक्रमण नहीं हटा है। पूर्व में भी इंद्रगढ़ नगर पालिका में कई अतिक्रमण हो चुके, जिससे राजस्व को भारी नुकसान हो रहा है। लेकिन आखिर क्यों सक्षम अधिकारी अतिक्रमण से नजर फेर रहा है? क्या यहाँ पर दाल में काला है या दाल ही काली है? लेकिन आज 2 माह गुजर जाने के बाद भी अतिक्रमण पर कार्रवाई नहीं हो पाई, जिससे लगता है कि कहीं ना कहीं नगर पालिका प्रशासन व अधिकारियों का अतिक्रमण को बढ़ावा देने में हाथ है। पालिका प्रशासन के नोटिसों का अतिक्रमियों पर जूं तक नहीं रहेंगी। शिकायतों के बाद भी पालिका प्रशासन द्वारा अतिक्रमण पर कार्रवाई नहीं करना एक शहर में काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। लोगों में चर्चा है कि पालिका करोड़ों रुपये की बेशकीमती भूमि पर अतिक्रमण मुक्त क्यों नहीं करवा पा रही है।